नमस्कार मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर इन दिनों क्रिकेट विश्व कप चल रहा है और इंग्लैंड पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इंग्लैंड में जो मैच चल रहा है वहाँ पे और चूँकि भारत प्रबल दावेदार भी है इस विश्व कप का लाखों प्रशंसक करोड़ों प्रशंसक पूरे विश्व में भारतीय टीम के और हर भारतीय चाहता है कि भारत ये विश्व कप अपने नाम करे ऐसे में आपको पता चले कि एक लड़की जो खुद को भारतीय कहती है अहमदाबाद के रहने वाली बताती है और इंग्लैंड में जाकर खेल के मैदान में वो पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा जैसे नारे लगाए इतना ही नहीं वो प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अब शब्दों का प्रयोग करे मोदी के खिलाफ अब शब्द कहे तो कैसा लगेगा जाहिर सी बात है यह सबको पता है हर भारतीय का हर हिंदुस्तानी का विश्व में जहाँ कहीं भी जो भारतीय टीम के प्रशंसक हैं उनका खून खौल उठेगा लेकिन ऐसा ही देखने को मिला है दरअसल दो वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं दिनों सोशल मीडिया पे जिसमें एक लड़की हाथों में पाकिस्तान का का बैनर ली हुई है और उसके बगल में एक सरदार जी दिखाई दे रहे हैं और उस बैनर पे खालिस्तान जिंदाबाद उस पर लिखा हुआ है और वो लड़की लगातार नारे लगा रही है पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा और साथ ही मोदी के ख़िलाफ़ भी अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है लगातार उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है लेकिन वो रुकती नहीं है और चिल्ला चिल्ला कर अपनी आवाज़ वहाँ पर रख रही है चूँकि उसे लगता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसे मिला है चूंकि पूरे विश्व की निगाहें खेल के मैदान पर हैं और वहाँ से उसकी बात काफ़ी दूर तक पहुँचेगी शायद इस बात का इल्म है उस लड़की को और इस बात को लेकर जो पाकिस्तानी मूल के पत्रकार हैं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह ने इस पर एक ट्वीट किया है तारिक फ़तेह ने काफ़ी प्रशंसा कर दी उस लड़की की और कहा है कि ये लड़की पाकिस्तानी प्रशंसकों के बीच में खड़े होकर क्रिकेट चाचा के साथ यानी उनका इशारा उस सरदार जी की तरफ है जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है कि क्रिकेट चाचा के साथ रह कर के पाकिस्तान जीतेगा का, का नारा लगा रही है तो ये उस लड़की के निष्ठा काबिल गौर है काबिल तारीफ़ है इस तरह का ट्वीट किया है तारक फ़तेह ने लेकिन इसको लेकर के काफ़ी कुछ अभी भारत में भी ये बात सामने आई है कि आईबी ने भी अब जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो लड़की है कौन या क्या वो ख़ुद को जो बता रही है कि भारत की रहने वाली है अहमदाबाद की वो लड़की है क्या सच में वो अहमदाबाद भारत के रहने वाली है या कोई और लड़की है ये जांचने की कोशिश अभी जो भारत भारत की जो इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं वो उसमें लगी हुई हैं लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह की जो बातें आती हैं तो हर भारतीय का इस पर गुस्सा होना वाजिब है और ये एक और बात को इशारा करता है कि चूंकि पिछले दिनों राष्ट्र विरोधी ताकतें या यूँ कहें कि राष्ट्र के ख़िलाफ़ जो बीज बोया गया था उसकी ये बानगी है उस उसका एक जीता जागता एक मिसाल है वो बीच बीच में अंकुरित होते रहता है इस तरह की विचारधारा पनपती हुई दिखाई देती है बीच बीच में सर उठाती हुई दिखाई देती है तो ऐसे विचारधारा का कुचला जाना बहुत ही आवश्यक है कम से कम इस वीडियो से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है फिलहाल इतना ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन दबाना ना भूलें